अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। रियलिटी शो बिग बॉस से सुर्खियों में आई अर्चना गौतम के खिलाफ शिकायती पत्र लेकर SSP ऑफिस पहुंचे कांग्रेसी नेता। पार्टी के जिला अध्यक्ष का कहना है कि अर्चना गौतम और उनके पिता कांग्रेस पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। दरअसल अर्चना ने साल 2021 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। हाल ही में वह नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय अपने पिता के साथ पहुंची तो कांग्रेस दफ्तर के बाहर उनके साथ बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। बता दें कि महिला बिल पास होने के बाद अर्चना गौतम अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पहुंची थी, लेकिन अर्चना को कार्यालय के अंदर नहीं जाने दिया। इतना ही नहीं, अर्चना के साथ उनके पिता भी मौजूद थे। अर्चना गौतम का आरोप है कि वे महिला बिल पास होने की बधाई देने गई थी, लेकिन उनको अंदर नहीं जाने दिया। उनके साथ वहां मौजूद महिलाएं अभद्रता से पेश आईं। इस मामले पर अर्चना ने कहा कि मैंने पुलिस में मुकदमा दर्ज करवा दिया है। इसी के विरोध में आज कांग्रेसी नेता अर्चना पर पार्टी को बदनाम करने का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि अर्चना पार्टी से निष्कासित लोग कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं के नाम लेकर लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं और SSP ऑफिस पहुंचकर जिला अध्यक्ष ने निष्कासित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। देखिए, मामला कुछ नहीं है, कांग्रेस पार्टी के जो निष्कासित लोग हैं पार्टी से, जिन्हें पार्टी ने निष्कासित कर दिया है, वो कहीं ना कहीं पार्टी के शीर्ष नेताओं का नाम लेकर सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो बड़े नेताओं का नाम के सहारे हंगामा करके, पार्टी को बदनाम करके, और जो पार्टी में है ही नहीं, जिसे कांग्रेस पार्टी ने निष्कासित कर दिया, वो हमारे शीर्ष नेताओं के नाम के सहारे अपनी सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। मेरठ का कांग्रेस जन इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। किसी भी हाल में अपने नेता का नाम का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी के नेता बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कांग्रेस पार्टी ने आज SSP साहब को लिखित में दिया है कि कोई भी अगर कांग्रेस पार्टी का नाम का सहारा लेके उसको यहाँ कुछ भी करने की कोशिश करेगा तो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पर होगा। मजबूरी में उसको किसी भी अपने नेता को कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता किसी भी हाल में बदनाम नहीं होने देगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए FirstByte.tv।